नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड परीक्षा की तारीख 2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 1 मार्च 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या निकल कर आ रही है उसको देखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि पेपर के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपका पेपर पूरी दोस्तों उम्मीद है कि आपका पेपर मार्च में ही हो जाना चाहिए। अब किसी भी समय परीक्षा की तारीख जारी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी ऑफिशियल परीक्षा की तारीख है अब किसी भी समय जारी की जा सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रॉपर लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी जो परीक्षा की तारीख है और जो डेट शीट है सबसे पहले आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले आज की कुछ बड़ी अपडेट्स को देखेंगे, उसके बाद और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टुडे पीएनपी अपडेट्स को देखेंगे कि आखिर पीएनपी में क्या चल रहा है अभी, और उसके बाद दोस्तों बात होगी आपके प्रथम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख को लेकर और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख 2020 को लेकर, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी होली आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आपका पेपर होली के बाद तो होगा, ये बात तो सही है। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब भरा जाएगा, होली के पहले या होली के बाद? अगर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होली के बाद भरा जाता है तो भी ज़्यादा समय दोस्तों नहीं लगता, 10 से 15 दिन में आपका पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है। तो मतलब मैक्सिमम 10 से 15 दिन। तो आपकी होली 9 और 10 मार्च को है, अगर मान लेते दोस्तों उसके बाद 12, 13 या 15 मार्च तक आपकी डेट आ जाती है एग्जामिनेशन फॉर्म की भरे जाने की, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक और बड़ी अपडेट्स आई थी उसको देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने व मिशन प्रेरणा को प्रभावी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी हो चुका है। प्राथमिक शिक्षिका पर छात्रा की पिटाई का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये देखिए, ये अपडेट नीचे वाली आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। इसका रीजन क्यों, कि अभी आप लोग की टीचिंग चल रही होगी और काफ़ी छात्रों की टीचिंग समाप्त हो चुकी होगी। तो टीचिंग में आप क्या गलती ना करें, अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो आक्रोश में आके कुछ आपको गलती नहीं करना है कि बच्चों को आप मारने लगे। अपडेट्स को पहले आप देख लीजिए, काफ़ी छात्रों के लिए दोस्तों ये जरूरी है। आने वाले टाइम में जब आप टीचर बनेंगे तब भी जरूरी है, इस समय टीचिंग कर रहे हैं तो भी जरूरी है। क्या है पूरी अपडेट, प्राथमिक विद्यालय बंतरा प्रथम में कक्षा 3, ठीक है ना, कि छात्रा नेहा सिंह की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया। पिटाई से छात्रा के पैर में फ्रैक्चर होने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने पुलिस को सूचना दे दी। बंतरा गांव निवासी अर्जुन सिंह की बेटी नेहा सुबह स्कूल गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि शिक्षिका ने बच्ची से गणित के सवाल पूछे, उत्तर न दे पाने पर डंडे से पिटाई की, इससे बच्ची गिर पड़ी और पैर में फ्रैक्चर हो गया। शिक्षिका छात्रा को लेकर अस्पताल पहुंची और भर्ती कराकर चली गई। वही इंस्पेक्टर बंतरा का कहना है कि अभी तक छात्रा के परिजनों ने कोई तहरीर थाने में नहीं दी है, तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। वही शिक्षिका संगीता अवस्थी का कहना है कि विद्यालय में कुछ कार्यक्रम होने हैं, सभी विद्यार्थी रिहर्सल कर रहे थे, इसी दौरान किसी छात्रा ने नेहा का हाथ पकड़कर खींच लिया जिससे उसको झटका लगा और पैर में मोच आ गई। पिटाई की बात गलत है, बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और न ही बच्ची के परिजनों ने शिकायत की है। विद्यालयों में बच्चों के बयान कराएंगे, अगर शिक्षिका दोषी होगी तो कार्रवाई होगी। अब एक बात को आपको समझना है, खुद आप लोग दोस्तों समझिएगा कि क्या किसी भी प्राथमिक स्कूल में जहाँ पर आप लोग टीचिंग कराने गए, क्या किसी भी स्कूल में दोस्तों किसी भी टीचर ने बच्चे को मारा, या बच्चों को इतना पढ़ाते हैं कि उनको मारने की जरूरत पड़े? ये बात बहुत आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये समझ लीजिए, ऐसे मामले आते रहते हैं तो आपको ध्यान देना, जब आप लोग टीचिंग करने जाए तो किसी भी छात्र को मारे ना, गलती से बच्चे छोटे होते हैं, हो सकता है उनको चोट लग जाए, उससे आपका कैरियर भी खत्म हो सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर देखिए, इस समय जो नया रूल है सरकार का, उसके हिसाब से आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे कितनी भी शैतानी करें आपको उनको समझाना पड़ेगा, आप उनको मार नहीं सकते। तो अगर दोस्तों ये केस सही पाया जाता है, टीचर ने अगर मारा होगा ना, तो उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है और नौकरी जा तक सकती है। तो बस आपको ये बात हम समझाना चाहते थे कि आप लोग भी टीचिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आक्रोश में बच्चे परेशान करें तो आप उनको मारना शुरू कर दें जिससे उनको ज़्यादा चोट लग जाए। चोट ना लगे दोस्तों, आप मार रही है जो भी करिए, लेकिन होता है कि कभी कभी गलती से लग जाती है, फिर उसका खामियाजा कुछ आप ऐसे भुगतेंगे। सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर वाले आपको तो पता ही ना, बात को 2 का 5 बताएंगे जिससे उनको अच्छी टीआरपी मिलती है और आप लोग का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। तो ये सब बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफ़ी छात्रों की टीचिंग अभी चल रही होगी, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के रहें हो चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, अभी आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक टीचिंग करनी है। तो हर सेमेस्टर में ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप 1 महीने के लिए टीचिंग के दौरान जाते हैं
ध्यान में रखिएगा कि किसी बच्चे को आपकी वजह से चोट ना लगे। ठीक है, वो आपस में खेलते हुए लग जाए वो बात अलग है, लेकिन आपकी वजह से लगेगा तो सारी जिम्मेदारी आपकी मानी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर टीचर का नाम आ रहा है तो वहाँ पर आपका नाम आएगा, तो उससे आप ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों एक और अपडेट आई थी मिशन प्रेरणा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने व मिशन प्रेरणा को प्रभावी बनाने के लिए त्रिस्तरीय टास्क फोर्स का मतलब गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने और समय समय पर लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें महानिदेशक स्कूली शिक्षा को सदस्य सचिव बनाया गया है। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसी तरह जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष डीएम और सदस्य सचिव बीएसए होंगे। ठीक है, ये अपडेट्स है जो मिशन प्रेरणा दोस्तों आपके चलता है ना, सेल्फी हेल्पी वाला मैटर, वो सब चीजें हैं। अब बात होगी दोस्तों आपका पेपर को लेकर, कब से पेपर होंगे और पेपर की तैयारी आपको कैसे करना है। ठीक है, इस समय देखिए दोस्तों होली का टाइम है, हो सकता है काफी छात्र पढ़ाई में ध्यान ना दें, तो होली पर देखिए सेलिब्रेशन तो होता है और होना भी चाहिए, और लेकिन आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर की डेट जल्द आ जाती दोस्तों होली के पास पास तो काफ़ी उम्मीद कम ही है। अब पेपर आपका होली के बाद ही होगा और काफ़ी दिन बाद हो सकता है। ठीक है, अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म की भी पूरी प्रॉपर अपडेट नहीं आई। देखिए इस समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है ना, वो बात ये है दरअसल कि इस समय आप कहीं दूर जाने का प्लान ना बनाएं मार्च और अप्रैल तक। ठीक है दोस्तों, ये 2 महीने दोस्तों भी आप लोग अपना जो प्लान है उसको डिले रखिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप कहीं पर भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिलहाल मार्च और अप्रैल में कहीं घूमने का प्लान अभी आप लोग को नहीं बनाना है, जिससे कि अगर आपका पेपर होता है अभी जल्दी में फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों आपके लिए यही है कि आप किसी भी समय दोस्तों आपके ऑफिशियल डेट शीट का ऐलान हो सकता है, किसी भी समय आपकी परीक्षा की तारीख जो है ओरिजिनल वाली वो जारी की जा सकती है। काफ़ी अफवाहें चलती रहती है, आपको उनसे पहले सावधान रहना है। सभी बच्चे सोचते हैं यार ये बात सच तो नहीं है। देखिए जब तक आपकी परीक्षा की सही तारीख नहीं आती तब तक आपका अफवाहों का दौर जारी रहेगा। ठीक है, और गणित पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए जिनकी मैथ्स कमजोर है वो मैथ्स को अच्छा करना शुरू कर दीजिए। देखिए नई शिक्षा नीति आती जा रही है, नई नई नीतियाँ आ रही हैं जिससे कि आपका पेपर का जो पैटर्न होगा उसको और कठिन बनाया जाएगा। आने वाले समय में बेरोजगार की संख्या जो है ना वो बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। तो अभी से आपकी जितनी अच्छी पढ़ाई हो सके उसको करते रहिए। गणित को अभी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। आप बीए के छात्र हैं, बायो के छात्र हैं, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि नौकरी पानी होगी दोस्तों तो आपको गणित का पेपर देकर ही नौकरी ले सकते, बिना मैथ के तो नौकरी मिलेगी नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ समय आपने छोड़ दिया हो किसी भी कारणवश, बायो लिया होगा, सोचा होगा डॉक्टर बनेंगे, लेकिन दोस्तों अब आपको अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, तो गणित तो आनी चाहिए, नहीं तो 30-30 नंबर कहीं नहीं गए। देखिए आपको बता दें फिर से हम, यूपी टेट और सुपर मतलब यूपी टेट और सी टेट में आपको 30 नंबर गणित से लेने हैं, और जब आपका सुपर टेट होता है शिक्षक भर्ती का पेपर होगा तो वहाँ 20 नंबर आपको गणित से मिलेंगे। तो मतलब ये नंबर तो आपको चाहिए होंगे, हर एक नंबर की वैल्यू बहुत अधिक होती है, तो आप बिना मैथ के तो समझ सकते हैं कि आप टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद डीएलएड के चारों सेमेस्टर में आपकी गणित आनी है, तो बिना मैथ के नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी अच्छी आप कर सकेंगे अभी से, देखिए मैथ क्या आता है, बेसिक आता है, मैथ में बहुत कठिन नहीं आता है। बेसिक अगर आप लोग बेसिक सीखना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि अगले 2 साल में आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाए। और जो देखिए भर्ती आएगी, आपको सबसे बड़ी अपडेट हम दें, आपका जो चुनाव होगा 2022 में होगा। ठीक है, यूपी में अगले इलेक्शन 2022 में होने, हो सकता है दोस्तों जो बड़ी वैकेंसी है, बड़ी शिक्षक भर्ती है, वो 2021 में आ सकते हैं। 2018 बैच के छात्रों को तो भाई पूरा मौका मिलेगा उसमें, नो डाउट। 2019 के बैच के जो छात्र हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं दोस्तों अभी ये डाउट में चल रहा है। अगर ये वैकेंसी 2021 के लास्ट तक आती है तो मौका मिल जाएगा, लेकिन जल्दी आ जाती तो दोस्तों 2019 का जो बैच है वो बाहर हो सकता है। तो ये सारी अपडेट्स रहेंगी। ठीक है, तो आने वाले समय में दोस्तों जो भी अपडेट्स आती है हम आपको अपडेट करके बताएंगे, और एग्जामिनेशन फॉर्म की जो प्रॉपर अपडेट्स होंगी उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल अभी तक ऑफिशियल डेट का दोस्तों जो ऐलान होगा उसको हमने कमेंट बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको एक लिंक दे रखा है, तो कोई भी दोस्तों जैसे लेटेस्ट अपडेट्स आती है सबसे पहले वहीं पर अपडेट होती है वेबसाइट पर, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब तक सारी अपडेट्स पहुंचती है, तो उसको आप देखिएगा।
उसको विजिट करते रहिए। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। फिलहाल अभी तक दोस्तों 1 मार्च 2020 तक अभी आपकी ऑफिशियल डेट शीट का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, हम आपको हर दिन की अपडेट इसलिए देते हैं कि आप लोग जो अफवाह का दौर है ना, उससे सावधान रह सके। नहीं तो होगा कि आप लोग को लगेगा नहीं यार वो वाली खबर सही थी। तो आप अगर हर दिन अपडेट्स लेते रहेंगे हर एक एक दिन की, तो फिर आप टेंशन फ्री भी रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर आपका ध्यान भी लगेगा। बाकी होली आ रही है तो उसकी सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू कर दीजिए, 2 दिन का त्यौहार है। और पढ़ाई भी थोड़ा ध्यान से करते रहिएगा। और ये जो लास्ट वाली दोस्तों अपडेट है ना, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग टीचिंग कहीं कर रहे हो तो आप लोग आक्रोश में आके बच्चों को मारिए नहीं, नहीं तो उससे आपका कैरियर खतरे में पड़ेगा। किसी बच्चे को देखिए, जैसे यहाँ चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया पैर में, देखिए उन लोग खुद ही दौड़ते रहते हैं। आपको पता होगा जब प्राथमिक स्कूल में आप जाते होंगे, बच्चे शैतानी बहुत करते हैं, दौड़ते रहते हैं। आप मारेंगे कुछ नहीं, अगर आपसे हल्का सा टच होकर भी बच्चा गिर गया दौड़ने में, तो फिर नाम पूरा आपका आ जाएगा कि सर ने मारा था, मैडम ने मारा था, फिर हो गया आपका कैरियर खत्म। तो ये सब बातों का आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी पर FIR हो जाती है, चोट लग जाती है बच्चे को, फिर तो ये सब देखिए नए नए नियम जो कहते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए आप लोग जाते होंगे प्राथमिक स्कूलों में, तो वहाँ के टीचर आप देखते होंगे ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, उसका दोस्तों यही रीजन होता है। गलती से भी बच्चे को चोट लग जाए तो फिर टीचर की नौकरी खतरे में, समझ रहे हैं। बस ये सब बातें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।